मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी पहले। मेरा नाम अंशिका वर्मा है, मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की क्लासेस SMC इलाहाबाद से की है। उसके बाद मैंने BTech किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से गलगोटिया कॉलेज नोएडा से। 2018 में मेरी BTech कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में लग गई और 2 साल की तैयारी के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। 2020 वाला एग्ज़ाम मेरा निकल गया, क्लियर हो गया है और उसमें मेरी 136 रैंक आई है ऑल इंडिया। और जी हाँ, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी। तो इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि ये पूछते हैं वो पूछते हैं और बहुत कठिन होता है, बट इट्स ओनली लाइक अ कॉन्वर्सेशन। बस बातचीत करना चाहते हैं, वो आपका थॉट प्रोसेस और क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक कर रहे हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि आप किसी वर्ग के अगेंस्ट तो नहीं बात करते हैं। मेरे से पूछा कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो आप किसकी बात सुनेंगी। मैंने कहा सबकी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी अलग नहीं है, सब बराबर है इस देश में। और तो उन्होंने कहा कि आप डिसीजन कैसे लेंगी कि कौन सही है कौन गलत। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसीलिए गया है कि उसकी मदद लेके हम समझ ऐसे डिलेमास को सॉल्व कर सकें कि कौन सही है और कौन गलत। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी कम्युनिटी के ब्रीच हो रहे हैं तो हमें उस कम्युनिटी का ध्यान तो देना ही पड़ेगा।